नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, क्रिसमस आ रहा है और न्यू ईयर आ रहा है, तो सब लोग केक बनाएंगे, तो अच्छा है हम घर में ही केक बनाएं। तो आज मैं एक बहुत ही हेल्दी केक की रेसिपी लाई हूँ। इसमें बहुत सारे सीड्स डालेंगे और ड्राई फ्रूट डालेंगे, तो बहुत हेल्दी मल्टी सीड्स वाला केक बन जाएगा ये, और बहुत ही टेस्टी बना और ईजिली हम इसे घर में बना लेंगे। तो आइए बनाते हैं इसे। तो देखिए, सबसे पहले आप इस तरह से एक बर्तन ले लीजिए, कढ़ाई ले सकते हैं, भगोना ले सकते हैं, और उसे लो फ्लेम पर आप रख देंगे और इसे ढककर रख देंगे हम, तो 10 मिनट में ये अच्छे से प्री हीट हो जाएगा। और देखिए, मैंने ये मल्टी सीड्स लिए, सनफ्लावर सीड्स हैं, पम्पकिन है, मेलन सीड्स हैं, बादाम हैं, तिल हैं, और काजू के टुकड़े और काली वाली किशमिश लिए। आप और भी कुछ ड्राई फ्रूट्स में अपनी इच्छा से डाल सकते हैं, और भी सीड्स डाल सकते हैं। तो ये मैंने इतने सीड्स लिए हैं। तो आइए इसका बैटर बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध लेना है और उसमें एक चम्मच विनेगर डालकर उसे 10 मिनट के लिए रख देना है, तब उस दूध को हम काम लेंगे। तो ये आप काम 10 मिनट पहले कर ले, और लगभग आधा कप दूध हमें लेना है। तो देखिए, एक चलनी लेंगे हम और एक बोल लेंगे। तो एक कप से मैं ये केक बना रही हूँ, तो एक कप सेम से आप मेजरमेंट रखें। तो एक कप मैदा लेंगे और आधा कप हम पिसी हुई चीनी लेंगे, और एक चम्मच मैंने ये कॉर्नफ्लोर पाउडर डाला है, और दो चम्मच इसमें हम कोको पाउडर डालेंगे। तो आप ये क्वांटिटी का ध्यान रखिए, एक ही कप से आप सेम हर चीज़ का मेजरमेंट लें। तो इसे हम इस तरह से धीरे धीरे करके हम इसे छान लेंगे। तो इस तरह से ऊपर जो बची हुई चीनी और ये आई है टुकड़े, इसे हम बाहर निकाल देंगे, और इसे हम अच्छे से ड्राई में ही पहले मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, इसमें मैंने सेम ही कप से आप 1/4 कप आपको ऑयल लेना है, बटर भी ले सकते हैं, और इसमें 4 चम्मच मैं इसमें दही डाल रही हूँ। तो दही आप फ्रेश लें, खट्टा दही ना हो, और नॉर्मल टेम्परेचर का दही लेना है। और इसे अब हम धीरे धीरे से मिला लेंगे। और अब जो हमने विनेगर डाल के थोड़ा सा दूध लिया था, रेडी किया था, वो दूध इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो दूध एक साथ पूरा ना डालें आप, बैटर ज़्यादा पतला हो सकता है, आप थोड़ा थोड़ा करके दूध डालें। तो देखिए, इसे हम हल्के हाथों से चम्मच से मिलाएंगे, और ज़रूरत पड़ने पर इसमें हम और दूध डालेंगे। तो बैटर की कंसिस्टेंसी आप ध्यान रखें, ज़्यादा दूध नहीं डालना है। उसके बाद एक विस्कर की हेल्प से हम बहुत स्मूथ सा इसका एक बैटर बना लेंगे। देखिए कितना बढ़िया बैटर बनकर रेडी हुआ है। तो यही कंसिस्टेंसी रखनी है आपको। बाद में हम आधा टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये हमें लास्ट में डालना है, और इसे अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद जो हमने सीड्स लिए थे वो हम डालेंगे, तो एक एक चम्मच डालना है। ये तिल डाल दिए हैं मैंने। अभी देखिए, कटे हुए काजू और काली वाली किशमिश, आप येलो किशमिश भी डाल सकते हैं और बेरीज भी डाल सकते हैं। कटे हुए बादाम लिए हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, और ये पम्पकिन सीड्स हैं, और मेलन सीड्स। तो इनकी क्वांटिटी आप थोड़ी और बढ़ा सकते हैं, और इन्हें अच्छे से हम धीरे हाथों से मिला लेंगे। तो देखिए, मैंने केक के लिए टिन तैयार किया, इसमें मैंने बटर पेपर लगाया है, थोड़ा सा ऑयल लगाया है, और मैदा डस्ट करके इसे रेडी कर लिया है। तो इस तरह से आप केक का टिन रेडी कर लीजिए, और इसमें हम ये बैटर को पोर कर देंगे। तो देखिए, इसे हम टैप कर लेंगे ताकि बैटर अच्छे से सेट हो जाए, और फिर आइए इसे अब हम बेक करते हैं। तो देखिए, अब ये हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो आप ये प्रोसेस ज़रूर करें प्री हीट का, इससे केक फटाफट अच्छे से उसे टेम्परेचर मिलता है, उसे डालते ही तो बहुत अच्छे से ये बेक होता है। तो इसे कम से कम हम ढककर 30 से 35 या 40 मिनट तक छोड़ेंगे, और बहुत अच्छे से ये कुक हो जाएगा, कि लो की तरफ ही हमें फ्लेम को रखना है, मीडियम से लो की तरफ, हाई हीट बिल्कुल नहीं करनी है, और इसे 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए कितने अच्छे से ये बेक हो रहा है, बहुत ही अच्छे से। 35 मिनट में मैंने इसे देखा है, अच्छे से ये बेक हो गया है, और इसे हम चेक कर लेंगे। इस तरह आप चाकू ले लें, चम्मच ले लें, और इस तरह से हम डालकर देखेंगे, बिल्कुल साफ बाहर आया, मतलब ये अच्छे से अंदर से कुक हो चुका है, बैटर इसमें पूरा सूख चुका है। तो अब इसे हम 2-3 मिनट के लिए इसमें छोड़ेंगे और गैस ऑफ कर देंगे, और अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया केक रेडी हुआ है। लेकिन इसे अभी हम 15 से 20 मिनट के लिए कपड़े से ढककर थोड़ा ठंडा होने देंगे, और ढकने से इसका मॉइस्चर नहीं निकलेगा और ऊपर से ये ड्राई नहीं होगा। तो इसे ढकना ज़रूर है 15 मिनट के लिए। देखिए अभी अच्छे से सेट हो गया है, ठंडा भी हो गया। तो आइए इसे हम डीमोल्ड कर लेते हैं। तो एक चाकू की हेल्प से इस तरह से आप साइड्स छुड़ा लीजिए, बहुत ईजिली निकल जाता है अगर आपने अच्छे से इसमें ग्रीस किया होगा। और इस तरह हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे, और देखिए बटर पेपर भी अब हम निकाल देंगे। तो बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया केक देखिए बेक हो गया है, सीड्स भी दिख रहे हैं, बहुत अच्छा बना है ये।
तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये रेडी है। बाकी इसको हम थोड़ा सा चॉकलेट से डेकोरेट करेंगे। तो ये चॉकलेट गनाश बनाया मैंने अमूल की, आप क्रीम लीजिए, उसमें थोड़ा सा डार्क चॉकलेट कंपाउंड डालिए गर्म क्रीम करके, और ये चॉकलेट गनाश हमारा रेडी हो जाता है। थिकनेस आप पतली गाढ़ी कैसी भी रख सकते हैं। तो इससे हम इसे सजाएंगे, आप चॉकलेट सिरप भी ले सकते हैं, सॉस ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से 3-4 चम्मच इसमें हम चॉकलेट गनाश की डालेंगे और ये बहुत ही बढ़िया केक हमारा रेडी हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से स्प्रेड होता है चॉकलेट गनाश, बहुत टेस्टी भी लगता है। और जो हमने इसमें अंदर मल्टी सीड्स डाले थे, ड्राई फ्रूट डाले थे, हम उसी से इसको डेकोरेट करेंगे। तो ऊपर इस तरह से आप देखिए किनारों पे तिल लगा दीजिए, और देखिए ऊपर बीच में हम ये सभी तरह के जो ड्राई फ्रूट सीड्स थे उनसे हम सजा देंगे इन्हें अच्छे से। तो ये देखिए हमारा मल्टी सीड्स वाला इतना हेल्दी केक रेडी है। चॉकलेट केक है, बहुत टेस्टी बना है, चॉकलेट गनाश है, कोई क्रीम नहीं है इसमें, तो बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसे बनाइए न्यू ईयर पर, क्रिसमस पर, बहुत हेल्दी केक है।